दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जानते हैं नाखून काटने के बारे में। नाखून काटने के बारे में तो आपको बचपन से ही सिखाया गया होगा। दरअसल इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है जिसकी वजह से हमें इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। शरीर की सफाई एक ऐसी सफाई है जिसे हर कोई करता है। कई लोग इसे लेकर बहुत एक्टिव होते हैं तो कुछ लोगों को साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देने का मन नहीं करता। नाखून काटने के फायदे न केवल आपको बीमारियों से बचाते हैं बल्कि इसके अन्य कई फायदे भी होते हैं। वीडियो में जानते हैं नाखून काटने से जुड़ी कुछ खास बातें। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर वन, पैरोचिया का नहीं रहता है खतरा। यह एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें पैरों के अंगूठे के आसपास की त्वचा में लाल निशान उभर आता है, इसे पैरोचिया कहते हैं। इसलिए पैरों के नाखून को काटकर रखना चाहिए। नंबर टू, नाखून काटने से तनाव होता है कम। जी हाँ, नाखून काटने से तनाव कम होता है। दरअसल नाखून बड़े रखने से आपके शरीर में ऊर्जा का संचार ठीक तरह से नहीं हो पाता, इस कारण आपको तनाव महसूस होता है। इसलिए नाखून काटना बेहद आवश्यक है। नंबर थ्री, बीमारियों से रहेंगे दूर। ये तो हम सभी जानते हैं कि बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बड़े नाखून रखने से नाखून के अंदर गंदगी जमा हो जाती है। यह खाना खाते समय हमारे पेट में जाकर हमें बीमार कर देती है, इसलिए नाखून को समय समय पर काटते रहिए। नंबर फोर, नाखून के कारण नहीं होंगे चोटिल। अक्सर हाथ और पैर के नाखून बड़े हो जाने पर चोट लगने का कारण बन जाते हैं। दरअसल बड़े नाखून होने की वजह से वह अक्सर कपड़ों में फंसकर टूट जाते हैं, इसलिए नाखून को काट कर रखना चाहिए। नंबर फाइव, नहीं होगा इन्फेक्शन। नाखून न काटने की वजह से इनके अंदर काफी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इससे पस बनने की आशंका रहती है, इसलिए नाखून को काट कर रखना चाहिए। नंबर सिक्स, अंतर्वृद्धित नाखून। दरअसल नाखून न काटने की वजह से यह बड़े होने पर पैरों के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद यह बहुत दर्दनाक भी बन जाते हैं। इस स्थिति में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए समस्या से बचने के लिए नाखूनों को छोटा करके ही रखें। दोस्तों मैं आशा करती हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत बड़ी जानकारी मिली होगी। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।